सामकुम दोस्तों, आईजी सोलर्स का एक और प्रोजेक्ट लेके आपकी खदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फोजानो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये 500 वाट का एक डीसी सोलर सिस्टम है जो हमारे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं लाहौर के। ये इन्होंने अपने घर में ये सिस्टम इंस्टॉल किया है और ख़ुद से इंस्टॉल किया है। तो इन्होंने वीडियो बना के हमें भेजी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखाता हूँ उसके अंदर। और वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो जो है ना, मैं स्पेशली शहजाद भाई मुल्तान से, जिनसे मैंने MPPT मंगवाया है, और फरहान भाई कराची से, इन्फो जानू चैनल वाले, तो ये स्पेशल मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये उनकी बदौलत जो है ना, मैं ये अपने इलेक्ट्रिशियन से करवा सकूँ ये काम सारा, क्योंकि जो है वो बंदा को अच्छा इंस्टॉलर लाहौर में जो है मेरी नज़र में तो नहीं टिक रहा था, क्योंकि बड़े बड़े जो इंस्टॉलर थे वो छोटा प्रोजेक्ट पकड़ते ही नहीं हैं। अच्छा जी, ये मेरी ममटी है, ममटी के ऊपर जो है ना, मैंने ये बड़ा स्टैंड लगा के उसके ऊपर दो इन्वर्टर्स की, और एक नीचे 220 वाट वाली, ऊपर 180 वाट वाली, नीचे 220 वाट वाली, ये सीरीज़ में कनेक्शन की हैं। ये मेरी ममटी है और ये इधर से सूरज निकल आया वो, और ये डायरेक्ट इसको पड़ रहा है, और इस टाइम टाइम हो रहा है तकरीबन 8:15 बजे का टाइम है। और इसके बाद जी अच्छा इसके बाद जी मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ। ये ममटी है ऊपर, तो ये ममटी के सेंटर में ना मैंने दो कंक्रीट की स्लैपें रखी हैं, स्लैपें रखवा के तो उसके ऊपर फिर सेंटर में ये स्टैंड आ सका है, नहीं तो इस तरह ना स्टैंड आ नहीं था रहा, और अगर मैं नीचे लगा जाता तो शेडो पड़ना था। तो ये सारा कनेक्शन जो है ऊपर सीरीज़ में करके, तो ये अच्छी जो तार इसके साथ इस्तेमाल की थी मैंने 6 mm की, ये तार प्रॉपर, ये ज़्यादातर वीडियो जो है ना मैंने भाई की, इरफान भाई की देख, अपना फरहान भाई की देख के सारी प्रॉपर डक्टिंग करके ये अंदर से मेरा जी ये तार जा रही है अंदर, ऊपर PV की तार जो है ये अंदर जा रही है। और ये स्लैपों के नीचे जो है ना, अगर आप क्लोज करके देखें तो पूरा बड़ा नट लेके ना, नट नीचे तक आ गए तो उसको अच्छी तरह जो है, इस नट को अच्छी तरह जो है ना हमने नीचे से कस दी है, और आगे फिर मैं आपको नीचे का सेटअप दिखाता हूँ, ये शहजाद भाई और इरफान फरहान भाई कराची वाले के लिए। अच्छा जी, ये जी तार ऊपर से जो बैक साइड से आई है नीचे, और ये एक डक पट्टी मेरी AC की पुरानी लगी हुई थी, उसमें मेरा AC का पैप नहीं था, तो मैंने उसमें डक पट्टी में ना ये सारा कर दिया था, तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये जी ऊपर से तार आके तो ये डक पट्टी से होती हुई ये इधर आ गई, और ये जी मैंने सामने सारा सिस्टम लगाया है। ये जी ऊपर से तार आके तो ये डक पट्टी से होती हुई ये इधर आ गई, और ये जी मैंने सामने सारा सिस्टम लगाया है। अच्छा जी, ये ऊपर से PV की तार आके ये इस DP में गई है, एक ये सबसे पहला ब्रेकर सोलर का, दूसरा ब्रेकर आउटपुट का, तीसरा ब्रेकर बैटरी का, और ये MPPT लगा हुआ है जी अलहमद का, इस टाइम 14.5 वाट शो कर रहा है, तो अभी बैटरी भी फुल है। और ये मैंने एक ऊपर बोर्ड लगवाया है, बोर्ड से ये कनेक्शन लेके तो नीचे एक जो है ना अंदर कमरे में खुर्शीद का पेडिस्टल फ़ैन अभी चल रहा है, और उसके बाद प्रॉपर ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं, डक पट्टी इस्तेमाल की, और लोड जो है ना जी मैंने डायरेक्ट बैटरी से नहीं उठाया, ये कंट्रोलर में से उठाया डायरेक्ट लोड। ये PV की तार, सोलर की तार पहले PV की इस ब्रेकर में आई, फिर उधर गई MPPT में, फिर MPPT की बैटरी वाली साइड से जो तार आई वो सीधा पहले इस ब्रेकर में गई, फिर इस ब्रेकर से होती हुई नीचे बैटरी में गई, ठीक
ठीक है जी, ये दो ब्रेकर ये हो गए, और उसके बाद फिर ये सबसे ऊपर जो कंट्रोलर लगा के PWM 50 एम्पेयर का, इसमें से बैटरी की तार ये साइड से होती हुई इस बैटरी में आ गई, और ऊपर लोड की तार जो है वो दोबारा इधर से होती हुई इस पहले ब्रेकर में आई है सेंटर वाले में से, और ऊपर से हमने जो है ये आउटपुट निकाल के इसमें से बोर्ड में लगा लिया, और बोर्ड में से हम यूज़ कर रहे हैं, और ये प्रॉपर सिस्टम जो है ना ये यूज़ हुआ। अच्छा, और ये जो है ना जी, ये एक तार मैंने जी ऊपर से निकलवाई है उस बोर्ड में से, वो एक तार जो है जब हमने ये 220 वाला सिस्टम चलाना होता है ना जी, तो इसको फीमेल स्विच को उतार के ऊपर इन्वर्टर में लगा देते हैं, इन्वर्टर में लगा के, तो ये मेरा पीछे कमरा है, तो इसमें से जो है ना एक पंखा एसी वाला और एक लाइट एसी वाली वो आसानी से चल रही है जी इस इन्वर्टर की बदौलत, जो इसमें बिल्ट इन इन्वर्टर दिया गया हुआ है। और ये तार जब हमने नहीं यूज़ करनी हो तो ये इसको उतार के, तो इसको जो है फीमेल लगा के, तो वो जो तार ऊपर से निकल रही है उसको दोबारा जो है वापडा में लगा दिया जाता है, तो जिससे वापडा की चीज़ें दोबारा चलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जी एक बार दोबारा ओवर रिव्यू है। बैटरी मेरे पास छोटी थी, मैं इंशाल्लाह वक्त के साथ बड़ी बैटरी ले लूँगा।